हेलो दोस्तों, टीटीएस इंडिया में मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस शो में मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो अपने फील्ड में कहीं ना कहीं अपने बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर, जो बिहार से हैं, और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि अभिषेक श्रीवास्तव सर एक मोटिवेशनल स्पीकर और दो बुक के ऑथर हैं, और मैं बता दूँ कि इनकी 5 बुक और भी आने वाली है। मैं बता देता हूँ कि अभिषेक सर से हम लोग आज बातें करेंगे और मोटिवेशनल फील्ड के बारे में रूबरू होंगे कि मोटिवेशनल फील्ड की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आप सर, आपका इस शो में स्वागत है, तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपके इस शो में मुझे बुलाने के लिए। और ये टीटीएस इंडिया, ये जो आपका चैनल है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने एक दो वीडियोस देखे हैं, अभी घर जाके और सारे वीडियोस देखूंगा तो और अच्छे से रिव्यू दे पाऊंगा, बट दो तीन वीडियो मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो कमाल का काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से, आप क्या कर रहे हैं और लोगों को। देखिए, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और गांव हमारा हुआ रोहतास। पटना से हूँ क्योंकि तो गांव तो रोहतास है, लेकिन सारा रहन सहन, प्राथमिक शिक्षा सब पटना से ही हुई है। और वहीं पर मैं बतौर ऑथर स्पीकर मैं काम करता हूँ, ऑपरेट पटना से कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो जाऊँगा, बट फिलहाल पटना से ही काम कर रहा हूँ। जैसा कि सर आप बताए कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसा लोगों के बीच अफवाहें फैलती है कि लोग ऐसा कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिस तरीके से वो इवेंट में अपने सेमिनार्स में पासेस देके पैसे देके बुलाते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये समझना ऑडियंस को है किस स्पीकर के बात से वो कनेक्ट कर पा रही है। हर प्रकार के स्पीकर हमारे कंट्री में हैं। कुछ स्पीकर्स फिलोसफिकल हैं, कुछ स्पीकर स्ट्रैटेजिक है, कुछ स्पीकर स्टोरी टेलर्स हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि अफवाह है, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा क्या है। आपका इशारा है कि सर लोग 500 हज़ार 1500 का टिकट परचेज करते हैं और सेमिनार में इवेंट्स में जाते हैं, लेकिन उनको बहुत कुछ खास खास फायदा नहीं होता है। शुभम जी, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, किसी भी प्रकार का कोई भी मोटिवेशन कभी भी परमानेंट हो ही नहीं सकता है। जो ऑडियंस मुझे सुन रही है थोड़ा ध्यान दें, दिस इज वर्थ रिपीटिंग। एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नॉट परमानेंट, बिकॉज देर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज परमानेंट और इटर्नल। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती शुभम जी जो स्थायी होती है हमेशा। अब सवाल ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन इज, तो सर मोटिवेशन आता है, 4 5 6 7 दिन रहता है, फिर चला जाता है और उसका 1200 1500 रुपये हम लोग दे देते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में मोटिवेशन परमानेंटली रहे और आप उस मोटिवेशन के सहारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को हासिल करें, मिसाल के तौर पे आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने एक मेरा मोटिवेशनल क्लास अटेंड किया, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, ऊपर आ गया, कहां आ गया, गलत, ऊपर नहीं आया। मैंने अपना मोटिवेशन आपको ट्रांसफर किया, वो आपका मोटिवेशन था ही नहीं। मोटिवेशन जब भी होता है वो इनसाइड आउट होता है, इंट्रिंसिक होता है, आपके भीतर से निकलता है। हम लोग जैसे स्पीकर्स लोग क्या करते हैं, खासकर मैं, मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम्स को मैं किस तरीके से, किस शिद्दत से और कितने कमिटमेंट से मैं डिजाइन करता हूँ। मेरे प्रोग्राम्स में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट मिलेंगे, मतलब कि अगर आपको एक यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो मैं ए बी सी डी ई 5 आपको स्टेप्स दूंगा, 5 गेम चेंजिंग आइडियाज आपको दूंगा, जो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये रिसर्च करके, पर्सनल एक्सपीरियंस से और सोसाइटी को ऑब्जर्व करके, बड़े बड़े लोगों से सीख कर ये निकाला जाता है, बनाया जाता है। कुछ स्पीकर्स होते हैं जो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वैसे स्पीकर को सुने। अगर आप जल्दी में रिजल्ट चाहते हैं तो ऐसे स्पीकर्स को सुने जो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकें, कुछ स्ट्रेटजीज बता सकें जिससे कि आप बाहर निकल सकें। हाँ, जिस तरीके से सर आपने बताया कि कोई भी मोटिवेशन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो नहीं, टेम्पररी हाँ होता है। टेम्पररी है।
तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए मोटिवेशन के लिए, ये करना चाहिए, आग लग जाना चाहिए, नहीं आग लगा देना चाहिए। हाँ, तो इन चीजों के लिए सेमिनार से निकलने के बाद चीर देंगे, फाड़ देंगे, उसके बाद 5 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। बैक टू सभी लोगों के साथ वैसा ही होता है, तो परमानेंट मोटिवेशन का कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछे यार। परमानेंट मोटिवेशन के लिए आपको कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, आप कल भी नहाए थे, आज भी नहा रहे हैं, कल भी नहाएंगे, आगे भी नहाएंगे। मोटिवेशन इज लाइक टेकिंग अ बाथ ऑन अ डेली बेसिस। इफ यू स्टॉप डूइंग इट, यू बिगिन टू स्टिंक। सामान्य शब्दों में मोटिवेशन क्या है ना, स्नान करने की तरह। अगर आप प्रतिदिन स्नान करोगे, प्रतिदिन आप स्वच्छ और निर्मल रहोगे। उसी तरह से मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन का डोज, एक्चुअली यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज वर्किंग अगेंस्ट यू। आपके फेवर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो वर्क कर रही हैं, उसको लिखना होगा। जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए फंक्शन कर रही है, मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, इन द सेम वे वही चीजें आपको भी क्या करें, पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए, मैं अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मेरे आसपास का सारा माहौल पॉजिटिव मैंने बना कर रखा है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप प्रतिदिन क्रिकेट खेलें या वॉकिंग करें या कोई और एक्टिविटी करें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। हाँ सर, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में आज जिस वर्तमान समय में मैं सुन रहा हूँ कि जैसे जिस तरीके से लोग कहते थे कि जहाँ पत्थर फेंको वहाँ इंजीनियर मिलते हैं, आज उसी तरीके से कहा जाता है कि जहाँ देखो उधर मोटिवेशनल स्पीकर। तो इन चीज़ को लेके आप क्या सोचते हैं और सही मोटिवेशनल स्पीकर को कैसे पहचाने? बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने भी सुना है और ये तो बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी को और वो ज़रूर आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर, अगर हम लोग थोड़ा स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता में उन्होंने जो मोटिवेशन अर्जुन को दे दिया है वो मोटिवेशन शायद ही कोई किसी को दे पाए। बहरहाल, देखिए आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि इधर पत्थर फेंको उधर स्पीकर्स दिखते हैं। आप देखिएगा किसी न किसी स्पीकर की लाइफ को, अगर वो जेन्युइनली कमिटेड है, और मुझे लगता है जिनके पास कमिटमेंट नहीं है 2-3 साल 4-5 साल के बाद वो पैकअप करके निकल भी जाते हैं, जो डाई हार्ट कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, जो सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन पर्पस के साथ लगे हैं, जिनके पास डिसिप्लिन है, वो अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से बनाएंगे, अपने मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करेंगे और डेफिनेटली लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करते ही करते हैं। ये मुझे लगता है कि सभी स्पीकर्स ऑलमोस्ट करते ही हैं। आप किसी भी स्पीकर के बारे में अगर आप बात करें, आई विल टेल यू कि उनका जो एक्सपर्टीज है वो क्या है, उनका डिस्टिंक्ट फोटे क्या है, उनकी मास्टरी किस चीज़ में है, ये मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूँ। तो आप ये ना कहें कि बहुत अधिक स्पीकर्स हैं, बल्कि आप ये कहें कि जितने स्पीकर्स हैं वो कम हैं, अभी और आने बाकी हैं। आपने बिल्कुल सही बोला सर, जिस तरीके से। और मैं जो दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपके YouTube चैनल डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे देख रहा था कि आपने कोटा में सुसाइडल जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपने वीडियोज डाली थी। तो आपको पता होगा कि अभी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है 62%, और मोटिवेशनल स्पीकर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी सुसाइडल की संख्या कम होनी चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? तो आप इन चीज़ को लेकर क्या बोल रहे हैं? ऑन एन एवरेज इन इंडिया 35 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड ऑन अ डेली बेसिस। ये तो आप देखे भी होंगे मेरे वीडियो में। आपका ये सवाल है कि जब स्पीकर्स इतने बढ़ रहे हैं तो सुसाइड क्यों नहीं रुक रहा है, तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए सी शुभम, सबसे पहली बात क्या है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत टेंडर एज में, उनका कॉन्शियस ब्रेन बहुत डेवलप नहीं किया है, मेंटली दे आर नॉट सो स्ट्रांग। एकेडेमिकली स्ट्रांग होना और मेंटली स्ट्रांग होना दोनों दो गेम है बॉस, ठीक है। स्टूडेंट्स जो कोटा में सुसाइड कर रहे हैं उनका एकेडेमिक का जो लेवल है ना वो जबरदस्त है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी चर्चा करता है, जो कि बहुत मैंडेटरी स्किल्स है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आई थिंक कि उसकी कमी है। अब आते हैं आपके सीधे क्वेश्चन पे, स्टूडेंट क्यों सुसाइड कर रहे हैं? तो स्टूडेंट क्या है ना कि वहां पर जब जाता है तो उसके मन में मेडिकल है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग,
इसके अलावा कोई दूसरा ख्वाब देखा ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि उसे लगता है कि मेरा जन्म ही हुआ है डॉक्टर बनने के लिए, दूसरा कोई काम मैं कर ही नहीं सकता। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है ना। पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर में, तुम में भी कुछ खास है जो नहीं कहीं किसी और में। गिरकर उठो, उठकर बढ़ो, अपनी पहचान बनाने को तुम हो अटल, साबित करो अपना लोहा मनवाने को। सफलता पाने के लिए न रहो भीड़ की होड़ में, बच्चों पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर में। तो विद्यार्थी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है और माता पिता के प्रेशर में, अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो में बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि पेरेंट्स अनावश्यक प्रेशर अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। तो अब सुसाइड रुक क्यों नहीं पा रहा है? देखिए ये एक अलग टॉपिक है, मेरा बहुत हार्ड कोर रिसर्च है और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो झटपट में इसको तुरंत सॉल्व कर देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए जब किसी भी चीज़ को आप बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ रहे हैं तो उसको 5-7 मिनट में आप नहीं एक्सप्लेन कर पाइएगा। अगर आप 25 बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग का एक कमिटमेंट है किसी भी स्पीकर का, मुझे लगता है सभी स्पीकर का होगा, कि किसी भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग लेने जाते हैं ना, तो उस टॉपिक पर मिनिमम हम लोग का 25 बुक्स रखा हुआ है, उसको बिना पढ़े हुए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले सकते, ये हम लोग का एक ओथ है। तो इन द सेम वे सुसाइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जल्दी में मैं आपको अगर बताऊं तो बच्चे खुद में इतने कमजोर हो जाते हैं, उनका खुद का आत्मविश्वास इतना टूट जाता है और हम सारे स्पीकर्स पहुंच भी नहीं पा रहे हैं उन तक, सिर्फ डिजिटली पहुंच रहे हैं, फिजिकली नहीं पहुंच रहे हैं। फिजिकली उन तक पहुंचने की जरूरत है स्पीकर्स को, कोटा में स्पीकर्स को और भी कई जगह, आप हालांकि कोटा को मैंने टारगेट किया है, लेकिन सिर्फ कोटा एक ऐसा जगह नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे 2023 में तो सिर्फ 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 13,000+, ये भी गवर्नमेंट फिगर है, ज्यादा होगा एक्चुअल में। अच्छा जो बच्चे डिप्रेशन में गएंगे उनका तो फिगर अलग ही होगा, बिल्कुल राइट, उनका फिगर तो बिल्कुल अलग होगा। तो माय सिंपल पॉइंट इज कि जितने भी स्पीकर्स हैं उन सभी लोगों को अप्रोच करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग्स में, और कोचिंग वालों को भी स्पीकर से क्या करना चाहिए, बॉन्डिंग करनी चाहिए, सो दैट कि उनका जो नॉलेज है ना स्पीकर्स का वो बच्चों तक पहुंचे और बच्चों को बहुत बहुत क्या हो सके, आसानी हो सके। और आप डिप्रेशन में कैसे आए, तो आज की तारीख है 18 जून 2024, इसके 48 घंटा पहले आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसको देखना जरूरी है। 48, 72, 36 घंटे पहले क्या क्या हुआ है उसको देखना जरूरी है, तो पहले वहां देखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप जानना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं पीछे लेके चल रहा हूँ आपको। 48 आवर्स 72 आवर्स ये जो है ना, इसका थोड़ा एनालिसिस करना होगा, समझना होगा कि क्या आपके स्टेट ऑफ माइंड में है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि 72 घंटा पहले आपसे बात हुई, हम आपके अंकल हैं, क्या शुभम, व्हाट इज दिस, मैंने सपना देखा है बेटा तुझे डॉक्टर बनाने का, मैं अपने खेत को बेच के तुमको पढ़ा रहा हूं यार, तेरे मार्क्स बहुत पुअर आ रहा है, कैसे बनेगा डॉक्टर। मम्मी बोल रही है, नहीं नहीं हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा अपने लाइफ में, हमारा बेटा तो जरूर डॉक्टर बनेगा, हमारे अधूरे सपने को पूरा करेगा, है ना बेटा शुभम। तो एक एक्टिव किलर है अपने बच्चे का, yes. और दूसरे क्या है, पैसिव किलर है, और दोनों अंकल आंटी, दोनों मम्मी पापा क्या है, अननोन है। तो जब हम ऑन अ लाइटर मोड भी बच्चे को बोलते कि नहीं हमारे बेटा तो सारे सपने को पूरा करेगा, आप सुसाइड लेटर्स जाके पढ़िएगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, या मैंने उन परिवारों से बात करी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर आप लाइटर नोट पे भी बच्चे को कहते हो कि मेरा बच्चा तो जरूर मेरा सपना पूरा करेगा, पेरेंट्स हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे सपनों को पूरा करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपकी आंखों में सपना बन के रह जाएंगे, तो इसको थोड़ा समझिए और ये बच्चे पर प्रेशर नहीं दें, और ये कहें बच्चे को नीट हुआ तो भी ठीक, आईआईटी हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करो बेटा, ठीक है। अब आते हैं आपके सोल्यूशन पे, डिप्रेशन पे, तो पहले तो ये देखना होगा, मान लेते हैं कि आज आप डिप्रेस्ड हैं, तो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो आपके मित्रगण हैं, आपके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो मित्रों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मित्र अलर्ट नहीं रहेंगे तो कहानी खत्म है। आप जाके कूद जाइएगा कहीं से, आप कुछ खा लीजिएगा ऐसा जो आपको नहीं खाना चाहिए, आप
अपने आप को पंखे से लटका लीजिएगा, हालांकि स्प्रिंग लोडेड फैंस का अरेंजमेंट हो रखा है ना, केंद्र सरकार ने भी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने, मैंने पूरा डिटेल केस स्टडी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, लोग देख लेंगे। बट ये आप समझ रहे हैं ना कि पता नहीं चला तब तो बच्चा गया। तो आपका कहना है कि निकले कैसे, ये तभी निकल पाएंगे जब सामने वाला पकड़ सके कि आप परेशानी में हैं। और इसके लिए जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, हम सभी को एक्टिव मोड पे अलर्ट रहना होगा, अवेयर रहना होगा। अगर पकड़ लिए कि परेशानी में है शुभम, तो उसके बाद तो एक हजार रास्ते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई सर। जिस तरीके से और भी हम आपके बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, तो आपने कुछ बुक्स लिखे हुए, दो दो बुक्स लिखे हैं, तो आप उस बुक के बारे में बताइए कि उस बुक का विजन क्या था आपका लिखने का, और उस बुक का पर्पस क्या है आपका। जिस तरीके से दोस्तों आप लोग ये दोनों बुक देख सकते हैं यहाँ पे, एक विजडम ऑफ एक्सलेंस और यू आर अनस्टॉपेबल, ये इन्होंने सर ने ही लिखी हुई है दोनों बुक को, और सर से जानते हैं कि इस बुक के बारे में इनका क्या पर्पस था लिखने का, और इस बुक में क्या इन्होंने बताया है। देखिए, बुक्स आर अम्यूजमेंट इन डार्कनेस, बुक्स आर इनर गाइडिंग सोल्स, ओके, विच यू कैन से मोटिवेट अस ड्यूरिंग आवर सीरीज ऑफ स्ट्रगल। बुक्स लिखने का पर्पस सिर्फ यही था कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं अपना मैसेज, क्योंकि बतौर स्टूडेंट मैंने जो स्टॉक्स में बताया भी है कि बतौर स्टूडेंट मैंने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, सभी लोग देखते हैं, बट मैं निकल पाया। मैं उन कम लोगों में से हूँ जिसने डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, सुसाइडल थॉट्स को बड़े करीब से देखा है, सुसाइड्स को अटेम्प्ट किया है, और वहाँ से निकला हूँ, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए। तो यही रीज़न था कि मैंने बुक लिखा। अभी मेरी 5 बुक्स और भी पाइपलाइन में हैं, मेरी 5 बुक्स अभी और आने वाली हैं, और हमारा पर्पस है कि हमारे बातों से, हमारे संबोधन से, हमारी लिखनी से किसी न किसी का लाइफ क्या हो सके, इम्पैक्ट हो सके। मुझे याद है मैंने बुक में लिखा है, महात्मा गांधी जी की माता जी ने कहा था कि बेटा, गांधी जी उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, तो मम्मी उनकी कहीं कि मोहन बेटा, अपने समस्त जीवन काल में यदि तुम किसी एक इंसान के जीवन में परिवर्तन लेके आ जाओ, तो इंसानी जीवन तुम्हारा सफल हो गया। तो मैंने लिखा है अपनी बुक में, तो किसी एक इंसान का भी ज़िंदगी अगर बदल जाए मेरी बातों से, मेरी लिखनी से, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँ। सर, जिस तरीके से आपके ये बुक्स, अगर कोई भी बुक्स आए परचेस करना चाहता है, तो वो बुक कहाँ से ले सकता है? मेरी पहली बुक है विजडम ऑफ एक्सीलेंस, मेरी दूसरी बुक है यू आर अनस्टॉपेबल, आप गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपके हर जगह आप प्लेटफॉर्म का नाम बोलिए, मेरी बुक वहाँ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक्स लेने हैं, तो आप जो भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप वहाँ से बुक परचेस कर सकते हैं, और बुक लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सर फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जिस तरीके से आपने मोटिवेशनल स्पीकर के फील्ड को बताया, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि यूथ को क्या करना चाहिए अभी के समय में, जिस तरीके से ये इंसाइट, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे बच सके, और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आप यूथ को क्या मैसेज दोगे? कोई कवि है, कवि का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये काफ़ी लंबी कविता है, मैं मिस कर रहा हूँ कि किसी एक बहुत नामी कवि ने लिखा है। तो सपने जो है ना, वो मरेंगे भी, लेकिन फिर भी सपनों को जीवित रखिए। एक सपना मर रहा है, दूसरा सपना बनाइए, दूसरा मर रहा है, तीसरा बनाइए, तभी तो मैं कहता हूँ यू आर अनस्टॉपेबल। मैसेज यही है कि सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बने, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। अच्छा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर आप अच्छा इंसान है, तो थोड़ा बहुत 5-10% आपका लोग शोषण करेंगे। मेरा होता है, 5-10% मेरा शोषण होता है, और मैं खुश हूँ, क्योंकि अच्छा इंसान बनने का वो रिपरक्यूशंस है, ये निगेटिव कंसिक्वेंसेस तो है, ये तो आपको पहले समझना होगा। सेकंड, आप अगर पैसा में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको दो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, पहला सेल्स और दूसरा मार्केटिंग। अगर अभी के टाइम में अगर आप सेल्स और मार्केटिंग नहीं जानते हो, आप बहुत ज़्यादा अधिक पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर आपको लगने लगेगा कि इतना नॉलेज लेने के बाद भी, इतना पढ़ाई करने के बाद भी, जिस मुकाम पर मुझे पहुंचना चाहिए था, मैं नहीं पहुंच सका। रीज़न बस एक ही है कि आप सेल्स और मार्केटिंग नहीं जानते हैं। सेल्स और मार्केटिंग आप पढ़िए, सीखिए, और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा मत कीजिए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम
आप किसी भी सेल्फ मेड मिलियनेयर या बिलियनेयर से मिलिएगा तो कभी भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बदौलत वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो इतनी ज्यादा बेरोजगारियां अभी तो आप देखिए, एक चपरासी के पद के लिए मैंने पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का एक वैकेंसी, तकरीबन 23 लाख उम्मीदवार आ गए, PhD, MBA, BBA सभी लोग चपरासी की नौकरी सभी लोगों को करने थी। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत अधिक भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें और एजुकेशन बिगिन फेयर क्वालिफिकेशन एंड, मतलब मास्टर डिग्री तो मस्ट है आपका करना, लेकिन मास्टर डिग्री के बाद भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप जीवन पर्यंत नहीं पढ़ लिख सकते हैं तो बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं मिलेगी और शायद आप जहां हैं उससे नीचे भी चले जाए। तो ये 2-3 मेरी एडवाइस है, बाकी आप तो खुद आप सभी लोग जो व्यूअर्स है वो काफी ऑडियंस आज की बहुत समझदार है, पब्लिक सब जानती है। शुभम जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से कोरोना के बाद सोशल मीडिया ग्रोथ किया है और जितने स्पीकर्स आए हैं तो कहीं कि यूथ को उसका बेनिफिट हुआ है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में अभी क्लिक करी। देखिए कोरोना के समय में, कोरोना में जो 4G आया, आई थिंक जो जियो 4G हम लोगों ने देखा, आप देखिए एक इंसान मोटा भाई अंबानी ने, ठीक है मुकेश अंबानी ने, एक इंसान को पता था कि डेटा इज द ऑक्सीजन। 4G महंगा आ रहा था एयरटेल का, 300-400 रुपए करके, वो पर डे भी नहीं दे रहा था, पूरे महीना 2 GB देता था वो, 400-500 को बहुत महंगा था। डेटा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये कौन समझ गया? मुकेश अंबानी समझ गए। उन्होंने तुरंत क्या किया, फ्री में 4G निकले। अब देखिए होता क्या है, 4G वो लेके आए, उसकी वजह से पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ ही, क्रिएटर को फायदा हो गया, मोबाइल जो बिकते थे मोबाइल के सेल्स में ग्रोथ हो गई, मतलब जो भी चीज 4G डेटा से रिलेटेड था सब क्या हो गया, रिवोल्यूशनाइज हो गया। और फायदा किसको हुआ? कस्टमर को, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आप दिमाग लगाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हालांकि उन्होंने जो किया हर आदमी नहीं कर पाएगा, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, वो सबके बस की बात नहीं है, मैं तो सोच को बता रहा था। प्लीज कैरी ऑन। तो सर ने बिल्कुल सही बात बताई और जितने भी चीज़ों ने सर ने मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड और यूथ से रिलेटेड बताई वो बहुत ही कारगर साबित है। सर की बात को जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, और आपको सर की बातें कैसे लगी, सर की एडवाइस कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर आप इंड में मैं बस आपकी स्टोरी को जानते हुए कुछ कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।